अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए, क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरह किसी भी यूएसबी पेन ड्राइव को बगैर किसी भी सॉफ्टवेयर के बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए ही है और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। तो मेरा नाम है अब्दुल नईम और आप देख रहे हैं अवान एस वेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या कर देते, हम अपनी यूएसबी पेन ड्राइव तो जो है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर दे। आप यहाँ दे सकते हैं तो मेरे केस में जो मैंने यहाँ 4 GB की यूएसबी पेन ड्राइव तो नेट कर रखी है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ नीचे आना है सर्च पे और टाइप करना है CMD। CMD टाइप करने बाद इस यहाँ क्लिक कर दीजिए CMD। तो आपके सामने इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हम जो है सबसे पहले डिस पार एप्लीकेशन ओपन करे दे। तो उसके लिए हम कमांड टाइप करे दे डिस पार, याद रहे तो बीच में आपने स्पेस नहीं देनी, इंटर प्रेस करे दे और यस कर दीजिए। तो ये पहले विंडो जो इसे हम मिनिमाइज कर देते हैं और आप तो समझे न्यू विंडो ओपन हुई थी। अब जो भी कमांड हम टाइप दे दे वो इस न्यू विंडो में टाइप करे दे। तो सबसे पहले हम जो कमांड का यूज़ करे दे वो है लिस्ट स्पेस डिस। इससे क्या हो जाता है, हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिस कनेक्टेड है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो इंटर प्रेस करे दे। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो मेरे टेस्ट में जो है यहाँ डिस 0, डिस 1 और डिस 2, यानी कि तीन ड्राइव जो है शो कर रहा है। अब तीन ड्राइव इसलिए शो कर रहा है क्योंकि डिस 0 जो है वो मेरी SSD है जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल हुई हुई है, और डिस 1 जो है वो मेरी 1 TB की हार्ड ड्राइव है जो मैंने अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर रखी है, और डिस 2 जो है वो यहाँ आप देख रहे हैं 4 GB की है जो तो हमारी USB पेन ड्राइव है मेरे तेज में, यहाँ जैसे थे आप देख सकते हैं। तो आपके तेज में जो है डिपेंड करते हैं आपके कंप्यूटर में कितनी स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट हुई हुई है। तो आप यहाँ से देख लीजिए तो आपकी USB पेन ड्राइव कौन सी है। उसके बाद हम क्या कहते हैं, हम उस ड्राइव तो सिलेक्ट कर दे, तो कमांड ड्राइव कह दे सिलेक्ट SCLECT स्पेस देने बाद DIS ते स्पेस देने बाद वो नंबर टाइप डाल दे दे जो ते डिस्टा यहाँ आप तो मिल रहा है। तो मेरे टेस्ट में ये डिस 2 है, तो सिलेक्ट डिस 2 और इंटर प्रेस करे दें। इससे हमारी डिस 2 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। याद रहे तो अगर आप अपनी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस केस में जो है आप कंप्यूटर जो है वो पूरे तरीके से विंडो जो है करप्ट हो जाएगी। तो आपने जो है ध्यान से जो है अपनी USB पेन ड्राइव तो ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम जो है सबसे पहले अपनी यूएसबी पेन ड्राइव जो है इसको क्लीन करे दे। तो कमांड टाइप करे दे क्लीन। इससे क्या हो जाता है, हमारे तम USB पेन ड्राइव में जितनी भी फाइल्स वगैरह वो डिलीट हो जाएगी और इसी के साथ साथ पार्टीशन भी डिलीट हो जाएगी। तो इसके बाद सबसे पहले हम क्या कहते हैं, हमें प्राइमरी पार्टीशन बनाए दे। तो उससे हम कमांड टाइप करे दे क्रिएट स्पेस देने बाद पार्टीशन PRTITION। याद रहे तो CMD जो है वो तेज सेंसिटिव है, तो इसके लिए आप तो जो है कमांड वैसे ही टाइप करनी जैसे आप तो यहाँ दिखाई दे रही है। उसके बाद प्राइमरी PRIMARY इंटर प्रेस करे दे। तो यहाँ देखिए जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है हमारी पार्टीशन। अब हम इस पार्टीशन तो जो है सिलेक्ट करे दे। तो सिलेक्ट करने तरी हम कमांड टाइप करे दे सिलेक्ट स्पेस देने बाद पार्टीशन स्पेस देने बाद 1। तो यहाँ आप यहाँ देखते थे हमारी पार्टीशन 1 जो है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब हम जो है हम इस पार्टीशन तो एक्टिवेट करे दे। तो एक्टिवेट करने के लिए हम कमांड टाइप करे दे एक्टिवेट और इंटर प्रेस कर दे दे। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो हमारी पार्टीशन जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो अब हम जो है हम इससे बूट टेबल बनाए दे। तो बूट टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट तरे दे और फिर जो है फाइल सिस्टम जो है वो स्पेसिफाई तरे दे तो हमें कौन सा फाइल सिस्टम जो है वो चाहिए। तो यहाँ जो है हम कमांड टाइप तरे दे फॉर्मेट स्पेस देने बाद FS स्पेस दे दे इस इक्वल साइज और फिर स्पेस दे दे। तो यहाँ हम टाइप तरे दे NTFS। तो देखिए अगर आप अपनी USB में जो है विंडोज की बूट टेबल बनाना चाहते तो आप यहाँ जो है NTFS टाइप करे दे। अदर आप लिनक्स के लिए अपनी USB तो बूट टेबल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ FAT32 तभी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हम जो है
होल प्रोसेस तो तुती तने तेरी आर्गुमेंट दे दे ट्वीट क्यू यू आई सी ते और सिंपली इंटर प्रेस करे दे। तो यहाँ जो है थोड़ा सा टाइम लग सकता है होते, तो यहाँ जो है देखिए 100% कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके बाद सिंपली जो है आप यहाँ से इसे थ्रोस कर दीजिए। यहाँ हम आते हैं तो ये देखिए हमारी जो है यूएसबी जो है बूटेबल हो चुकी है। अब हम जो है यहाँ अपनी जो है जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं उसकी फाइल्स हम यहाँ ऐड करें दें। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो मेरे पास ये विंडो 10 की ISO इमेज है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करें दें। तो सबसे पहले हम यहाँ फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं विंडोज 10 के नाम से, और आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 7-zip का यूज़ कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। तो ये देखिए यहाँ सारी फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। आप जो है विनराल का भी यूज़ कर सकते हैं और तो ये कम्प्लीट हो गया। तो मैं जो करता हूँ मैं इन फाइल्स तो इस फोल्डर के अंदर तो यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास जो है हमने सक्सेसफुली विंडोज 10 की जो फाइल वो एक्सट्रैक्ट कर दी है। तो अब आपने क्या करना है, आपने फाइल मैनेजर ओपन करना है और अपनी USB जो है उसे ओपन करना है। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपने सारी फाइल सिलेक्ट कर देनी है। सिलेक्ट करने बाद यहाँ कॉपी करनी है और यहाँ आते अपनी USB में सिंपली पेस्ट कर देनी है। तो जैसे ये पेस्ट हो जाएगी सारी फाइल्स हमारी USB में, तो हमारी USB जो है सक्सेसफुली विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बन जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अते चैनल पे नए हैं तो अभी जल्दी से चैनल तो सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।